पलवल में एक व्यक्ति द्वारा नकली सोना IIFL फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में आरोपी सही पाए जाते हैं तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। IIFL फाइनेंस कंपनी में नकली सोना रखकर लोन लेकर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की गई। पलवल शहर के आगरा चौक स्थित लोन देने वाली IIFL गोल्ड लोन कंपनी के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने हतीन गेट चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती 3 जुलाई को उनकी शाखा से गांव रसुपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र घनश्याम द्वारा नकली सोना गिरवी रखकर 1,86,000 रुपये का लोन लिया गया था। इस ग्राहक ने जानबूझकर सोने को इस तरह से बनवाया कि यह सोना उनकी सामान्य जांच के दौरान पकड़ में नहीं आ पाया था। इसके बाद जब उनकी ऑडिट टीम द्वारा इसकी जांच की गई तो यह सोना नकली पाया गया। वही संबंध में हतीन गेट चौकी प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या हुआ था मनीष जी, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है गोल्ड लोन में फुट पेंटिंग हुई, क्या मामला? ये धर्मेंद्र है, घनश्याम, सन ऑफ घनश्याम, रसुलपुर निवासी। तो ये 3 जुलाई 2021 को एक आभूषण लेके आए हमारे पास, कुछ 3-4 टाइप का आइटम है। तो उसमें हमने उनको लोन दिया 1,86,000। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं तो स्टार्टिंग में तो कुछ ग्राहक भी खड़ा होता है सामने काउंटर पे, तो वो मतलब चेक उस तरह से की करते हैं, किसी से वेरीफाई कराते नहीं है जैसे आप लोन देते हैं। पहले हम खुद ही चेक करते हैं कसौटी वगैरह पर, ठीक है। उसके बाद में 3 महीने बाद में 2 महीने बाद में हमारी ऑडिट टीम आती है उसको चेक करने के लिए कि हमने कोई गलत सामान तो नहीं रखा हुआ या हमने कोई मतलब कंकड़ पत्थर या कोई फर्जी सामान तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। वो थोड़ा क्या है, उनके 2-3 तरीके होते हैं, कटिंग डीप कट करके भी, और वो थोड़ा मशीन से चेक करके। तो उस ऑडिट टीम में पता लगा, ऑडिट चेक में जो पता लगा कि ये सामान इनका जो है नकली है, उसमें मतलब 10 या 15% का जो भी होगा उसका वो उसमें गोल्ड है, बाकी उसमें अंदर से सारा वो नकली सामान है। यानी कि आप ऑडिट करने से पहले ही लोन दे देते हैं? पहले तो हम नॉर्मल अपने चेकिंग पे करते हैं, बाद में जब ऑडिट होते हमारी 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद में ऑडिट टीम आती है, वो चेक करती है गोल्ड, तो उसके बाद ही लोन देना चाहिए आपने पहले? नहीं, वो ऑडिट उस टाइम प्रेजेंट नहीं रहती ना, ऑडिट हुई तो फिर अपना एक टाइम के हिसाब से आता है। किस तरह की धोखाधड़ी हुई, कितना उसमें नकली? उसमें सर उसमें सारा ही सामान उसका नकली है। 1,86,400 का हमने उसको लोन दिया था और जुलाई से आज जनवरी हो चुकी है, उस बंदे ने एक बार भी उसने ब्याज नहीं भरा है, ठीक है। और 2-3, 3-4 दफ़ा हम उनके घर भी गए, उनके पिताजी से मिले, उस लड़के से भी मिले हैं, तो कभी कहता है कराऊँगा, कभी कहता नहीं कराऊँगा, कभी कहता मेरे दोस्त का है, और कभी बोलता है कि भाई तुमने तो नहीं बदल दिया या तुम कोई मतलब सोने से लोन लिया गया है, क्या शिकायत है ये कंपनी की, क्या आरोप लगा रही है? ये अभी अभियोग संख्या अभी दर्ज हुआ है, 31 नंबर अभियोग दर्ज हुआ है 420 IPC में। इसमें शाखा प्रबंधक है मनीष कुमार जी, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि धर्मेंद्र पुत्र घनश्याम निवासी रसूलपुर, इन्होंने अपनी सोने की चीज़ें रखकर 1,86,000 के आसपास इनकी कंपनी से लोन लिया था। तो इनके ऑडिट में पता चला कि वो जो सोना है उसकी गुणवत्ता कम है और वो उस गुणवत्ता का सोना नहीं है जो होना चाहिए था, और इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। कौन सी कंपनी है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है? ये IIFL गोल्ड लोन कंपनी है नियर आगरा चौक पलवल से, उनके शाखा प्रबंधक की कंप्लेंट पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी मुकदमा दर्ज हुआ, आज हमें मिसल प्राप्त हुई है, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी जायज तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तार है? अभी मुकदमा दर्ज हुआ, हम इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ सबूत गुजरेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे।